डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांसोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में भी तीन पार्ट ए बी और सी में सवाल पूछा जाता है। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे, फिर पार्ट बी के अंदर पांचों यूनिट में से सवाल पूछे जाते हैं और पार्ट सी में 5 यूनिट में से सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो आज हम पार्ट ए के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उस पर डिस्कस करेंगे और उसका किस तरह से आपको आंसर देना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3.6 इंटू 10^-3 का पूर्णांश ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, फलन समाकलन x^8 dx का समाकलन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन, आदर्श गैस से क्या तात्पर्य है। चौथा क्वेश्चन, प्रायतम वेग को परिभाषित कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन है, शून्य कोटि विक्रिया से क्या तात्पर्य। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर के, जिसको आपको आंसर देना होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 3.6 इंटू 10^-3 का पूर्णांश ज्ञात कीजिए। ये सवाल प्रीवियस जो पेपर है उसके अंदर पूछे गए हैं। तो किसी भी संख्या का आपको पूर्णांश याद करना है तो उसके लिए दो रूल्स ध्यान में रखने होते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि यदि संख्या 1 से बड़ी है तो साधारण लघुगुणक का पूर्णांश 1 धनात्मक पूर्णांक होगा और वह उस संख्या के पूर्ण अंक से 1 कम होगा। यदि संख्या 1 से बड़ी है तो उसका जो पूर्णांश होगा उसकी वैल्यू हमेशा धनात्मक होगी और उसका मान जो होगा वो होल नंबर से हमेशा 1 कम होता है। और यदि संख्या 1 से छोटी है परंतु धनात्मक है तो साधारण लघुगुणक का पूर्णांश ऋणात्मक होगा और वह दशमलव बिंदु से ठीक बाद जितने शून्यों की संख्या है उससे हमेशा 1 अधिक होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 7676 में टोटल जो नंबर्स हैं धनात्मक हैं, इनकी संख्या जो 1 से बड़ी है तो होल नंबर 4, इसका जो पूर्णांश होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा और वो हमेशा जो होल नंबर होते हैं उससे 1 कम, यानी 4-1+3। 326.67 है, यहाँ पर होल नंबर 3, इसका पूर्णांश 3-1+2 होगा। यहाँ पर 7 होल नंबर 1 है, 1 ही संख्या है, इसका जो पूर्णांश होगा 1-1=0। इसी प्रकार से अगर संख्या 1 से छोटी है जैसे 0.00556 तो इस कंडीशन में इसका जो पूर्णांश आएगा वो ऋणात्मक आएगा और उसका जो वैल्यू होगी वो दशमलव के बाद जितने शून्यांक है उस शून्यांक से हमेशा +1 अधिक होता है। जैसे यहाँ पर 0.00516 है तो दशमलव के बाद शून्यांकों की संख्या 2 है तो इसका पूर्णांश 2+1 यानी 3 बार या -3 से रिप्रेजेंट किया। इसी प्रकार से 0.001 है तो यहाँ पर संख्या 1 से छोटी है इसलिए इसका जो पूर्णांश आएगा वो ऋणात्मक आएगा और उसका जो वैल्यू होगा उसका जो मान होगा दशमलव के बाद शून्यांकों की संख्या 3 है तो 3+1 यानी 4 बार या -4। ठीक इसी प्रकार से ये भी सवाल पूछा गया था तो इसका आंसर देखिए 3.6/10^3 या इसको 3.6/1000=0.0036। अब ये संख्या जो है 0.0036 जो कि
एक से छोटी है, अतः इसका जो पूर्णांश होगा उसका मान ऋणात्मक होगा और वह दशमलव के बाद शून्यांकों की संख्या 2 है, 2+1, अर्थात इसका जो मान आएगा वो 3 बार या फिर -3। तो इस प्रकार से हम यदि एग्जाम में पूर्णांश ज्ञात करने का सवाल पूछा जाए तो इन दो रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम उसका पूर्णांश ज्ञात कर सकते हैं। ये भी प्रीवियस एग्जाम के अंदर सवाल पूछे हुए हैं, 7676 इसका पूर्णांश, 326.67 इसका पूर्णांश और 7 का पूर्णांश। इसी प्रकार से 0.00516 और 0.001 इनका पूर्णांश प्रीवियस जो पेपर हो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनके अंदर ये सवाल पूछा गया। तो इस प्रकार से कोई भी आपको नंबर्स दिए हुए होते हैं, अंक दिए हुए होते हैं, तो आप उसका इस रूल्स के आधार पर पूर्णांश ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन, फलन x^(dx) का समाकलन कीजिए। यहाँ पर समाकलन ज्ञात करना है तो इसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको याद रखना होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है x^(n dx) = x^(n+1)/(n+1)। यहां पर n की वैल्यू 8 है तो x^(8+1)/(8+1), x^(9)/(9)। तो इस क्वेश्चन का जो समाकलन होगा x^(8dx) का x^(9)/(9)। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन, आदर्श गैस से क्या तात्पर्य है। आदर्श गैस आइडियल जो गैस होती है वे गैसें जो ताप और दाब के सभी मानों पर गैस समीकरण PV=nRT का पालन करते हैं वे गैस आदर्श गैस कहलाती है। तो इसका जो आंसर होगा आदर्श गैस से क्या तात्पर्य है, वे गैसें जो ताप व दाब के सभी मानों पर आदर्श गैस समीकरण PV=nRT का दृढ़ता से पालन करती है उन्हें आदर्श गैस कहा जाता है। जो गैस समीकरण है PV=nRT, इस समीकरण का जो गैस से पालन करती है ताप और दाब के सभी मान पर तो वह कैसे आदर्श गैस कहलाती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, प्रायिकतम वेग को परिभाषित कीजिए। प्रायिकतम वेग क्या होता है, प्रायिकतम वेग होता है किसी भी गैस के अधिकतम अणुओं का वेग। इसका जो आंसर होगा किसी भी गैस के अधिकतम अणुओं का वेग प्रायिकतम वेग कहलाता है। मैक्सवेल के अनुसार इसका जो फॉर्मूला होता है CP=√2RT/N। फिफ्थ क्वेश्चन में शून्य कोटि विक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसकी भी डेफिनेशन लिखनी थी। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है तो उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। अर्थात जो अभिक्रिया का वेग होगा
वो अभिकारकों की या क्रियाकारकों की सांद्रताओं के जो घातांकों का योग होता है शून्य की, तो ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसकी जो डेफिनेशन होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया का वेग अभिकारक या क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक या जो क्रियाकारक अणु है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बात करें शून्य कोटि अभिक्रिया की, तो लाइट की प्रेजेंस में जो भी अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2+Cl2 लाइट की प्रेजेंस में 2HCl बना। इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया की कोटि होगी डायरेक्ट इक्वल टू के H2 के पावर 0 और Cl2 की पावर 0 डायरेक्ट इक्वल टू के। तो इस प्रकार से हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकते हैं। देखिए वापस पुनः 3.6 × 10⁻³ तरीका पूर्णांश याद कीजिए। तो पूर्णांश याद करने के लिए यदि एक से कम है तो उसका जो पूर्णांश होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, और उसका मान दशमलव के बाद जितने शून्यांक हैं उससे हमेशा एक अधिक होता है। तो 3.6 × 10⁻³ तरीका जो पूर्णांश होगा वो -3 या 3 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। समाकलन के लिए आपको जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको याद करना होता है, और उस बेस पर आप किसी भी क्वेश्चन का समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ था x^8 dx का, तो इससे हम x^(n+1)/(n+1) से इक्वल टू हो जाएगा x^(9)/9। आदर्श गैस से क्या तात्पर्य है, तो वे गैस हैं ताप और दाब के सभी मानों पर आदर्श गैस समीकरण PV=nRT का दृढ़ता से पालन करती है, तो उन्हें आदर्श गैस कहा जाता है। प्रायतम वेग को परिभाषित कीजिए, किसी भी गैस के अधिकतम अणुओं का जो वेग होता है उसको प्रायतम वेग कहा जाता है, और मैक्सवेल के अनुसार प्रायतम वेग को CP√2RT/m से। शून्य कोटि की अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक या क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट छठे क्वेश्चन में विलयन की परिभाषा लिखिए, सातवें क्वेश्चन में रासायनिक बल गतिकी की परिभाषा लिखिए, आठवें क्वेश्चन में द्रव मिश्रण के प्रकार लिखिए, और नौवां क्वेश्चन में कोलाइड के विद्युत गुण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए विलयन की परिभाषा पूछी थी, तो विलयन जो होता है सॉल्यूशन वो विलय तथा विलायक इन दोनों का मिश्रण होता है। विलय और विलायक, विलय प्लस विलायक का जो मिश्रण होता है वो विलयन कहलाता है।
विलेय जो कि कम मात्रा के अंदर उपस्थित होता है विलेय, और जो अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है वो विलायक होता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा समांगी मिश्रण जिसमें एक घटक विलेय और दूसरा घटक विलायक हो, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा होगी विलयन की, इसका आंसर दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में वह घटक या वह पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय तथा वह घटक जो अधिक मात्रा के अंदर उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। विलेय प्लस विलायक दोनों को हम विलयन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल नमक का जलीय विलयन, नमक जो होता है सॉल्ट वो विलेय है और जो जल होगा वो क्या होगा? विलायक होगा। तो नमक प्लस जल, जब नमक को हम जल में घोलते हैं तो नमक का जलीय विलयन बनता है। तो इस प्रकार से आप विलयन की परिभाषा लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। वह पदार्थ जो कि कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहा जाता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। एग्जांपल नमक का जलीय विलयन। नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन में रासायनिक बल गति की क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गति की रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक या फिर जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि आदि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है तो उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत कोई भी अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया का वेग क्या है, दर क्या है, उस वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तथा जो अभिक्रिया हो रही है उसकी क्रियाविधि क्या है, उसका जो निर्धारण किया जाता है, उसके जो स्टडी की जाती है उसे रासायनिक बल गतिकी कहा जाता है। आठवें क्वेश्चन में द्रव मिश्रण के प्रकार। द्रव मिश्रण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स से द्रव मिश्रण की। पहला पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म,
फॉर एग्जाम्पल जल प्लस एल्कोहल, दूसरा आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म फॉर एग्जाम्पल जल प्लस ईथर, और तीसरा पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव युग्म फॉर एग्जाम्पल जल प्लस बेंजीन। तो इस प्रकार से जो द्रव मिश्रण होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म, जल प्लस एल्कोहल, जब जल के अंदर एल्कोहल मिलाते हैं तो वो पूर्ण रूप से उसके अंदर सोल्युबल हो जाता है तो उसको पूर्णतया मिश्रणीय द्रव युग्म कहा जाएगा। आंशिक मिश्रणीय द्रव युग्म का मतलब थोड़ा कम सोल्युबल होगा जैसे जल प्लस ईथर, और तीसरा पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव युग्म अर्थात दोनों आपस में सोल्युबल नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग लेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार के जो द्रव युग्म होंगे उनको पूर्णतया अमिश्रणीय द्रव युग्म कहा जाएगा, जिसका एग्जाम्पल जल प्लस बेंजीन। नौवें क्वेश्चन में कोलाइड के विद्युत गुण लिखिए। जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी पार्टिकल्स होते हैं, इसका कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, साइज 10^-7 टू 10^-4 सेंटीमीटर के साइज के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जिसको कोलाइडी विलयन कहा जाता है। तो ये जो कोलाइडी विलयन जो होता है वो अलग अलग प्रकार के गुण दर्शाते हैं, उसमें से उन्होंने विद्युत गुण के बारे में पूछा था। तो विद्युत गुण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कोलाइडी कणों पर आवेश चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा विद्युत द्विस्तर डबल लेयर होती है इनकी, तीसरा परासरण विद्युत परासरण का गुण पाया जाता है, और चौथा विद्युत अपोहन। इस प्रकार से जो कोलाइडी कण होते हैं वो अलग अलग विद्युत गुण दर्शाते हैं, उन पर उपस्थित जो आवेश विपरीत आवेश धनायन और ऋणायन, द्विस्तर दो अलग अलग लेयर भी होती है इनकी, विद्युत परासरण का गुण पाया जाता है, विद्युत अपोहन का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संख्या को परिभाषित कीजिए, गोल्डन नंबर क्या होता है। तो गोल्डन नंबर जो है वो भी किसी द्रव सनई कोलाइड की आवश्यक न्यूनतम मिलीग्राम जो 10 ml गोल्ड सोल का स्कंदन 10% NaCl की 1 ml विलयन के योग द्वारा रोक सके वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। गोल्डन नंबर क्या होता है, ये जिगमोडी नामक एक साइंटिस्ट था, उन्होंने विभिन्न जो द्रव सनही कोलाइड थे उनकी रक्षण जो क्षमता होती है उसका मात्रात्मक रूप से अलग अलग, जैसे कि स्टार्च से उसका 15.0 से लेकर के 25.0, हीमोग्लोबिन उसका 0.03 से लेकर के 0.07। तो इस प्रकार से मात्रात्मक रूप से स्वर्ण अंग जो होते हैं गोल्डन नंबर उसके द्वारा दर्शाया था, जिसको स्वर्णांग या गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या कहा जाता है। तो यहां पर जो इसकी परिभाषा है वो किसी द्रव सनई जो कोलाइड है उसके
आवश्यक न्यूनतम मिलीग्राम कोई भी द्रव से नहीं कोलाइड होगा, उसके मिनिमम कम से कम मिलीग्राम जो कि 10 ml गोल्ड सोल का स्कंदन 10% सोडियम क्लोराइड की 1 ml विलयन के योग के द्वारा रोक सके तो वो उसकी स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन अगर एग्जाम में पूछे तो ये डेफिनेशन लिखती है और इसका एग्जाम्पल है स्टार्च जिसका गोल्डन नंबर स्वर्ण संख्या 15 से लेकर के 25 और हीमोग्लोबिन इसका जो स्वर्णांक होता है गोल्डन नंबर 0.03 से लेकर के 0.07 के बीच। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर पूछे जाएंगे शॉर्ट नोट्स के अंदर, एक एक नंबर के होते हैं जिसका आपको शॉर्ट आंसर देना होता है। नेक्स्ट वीडियोस में हम और क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।